गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बच्चों कैसी चल रही हैं आपकी क्लासेस? सब अटेंड कर रहे हो रेगुलरली? यस सर। ओके गुड। बच्चों सेकंड ओके okay, तो मैंने बच्चों नोट्स वगैरह भेज दिए थे, वो आप सबने देख लिए थे, वो सारा कुछ समझ आ गया था सबको? यस ठीक ओके okay। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट वर्क पावर एनर्जी टुडे। ये बच्चों बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसमें बहुत ही कुछ स्पेसिफिक से क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि हम अभी देखेंगे। सबसे पहले वी टॉक अबाउट वर्क। वर्क का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा बच्चों, क्या होता फोर्स इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे नहीं याद रखेंगे। सबसे पहले तो ये समझना है हम किसके वर्क की बात कर रहे हैं, है ना? तो जो वर्क है वो एक फोर्स करती है, ठीक है? ये पहली बात। और जो फर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको हमने ऐसे याद रखना है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है? यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर एक बॉडी है उस पर अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ और मान लो उसकी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बच्चों वही वाली चीज जो हमने अभी पहले पढ़ी थी, है ना? और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकल आएगा। जो आपने बोला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो बेसिकली इसी का स्पेशल केस है
जहां पे हम थीटा को जीरो मान लेते हैं, तो फिर कॉस जीरो वन हो गया, तो वो सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, ठीक है। तो यहां से बच्चों हमें ये दिख रहा है कि अगर थीटा इक्वल टू 90 हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, एफ एस कॉस 90 जो कि जीरो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ कि जैसे मान लो एक बॉडी ऐसे आगे को जा रही है, ठीक है, और उस पे जो ग्रेविटी फोर्स है वो तो नीचे को लग रही होगी, तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी फोर्स में एंगल कितना हो गया, 90 है ना। तो इस केस में जो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स है वो जीरो हो गया, सो फार। उसके बाद बच्चों आता है एनर्जी। एनर्जी में हम सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, जो कि है सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी आपने किसी भी मेथड से निकाली हो सकती है, जो हम मतलब पहले अप्लाई कर रहे थे मोशन वगैरह चैप्टर में, तो उससे आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्शन क्या होती है? बताओ फटाफट। सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और लोग भी आंसर करो बच्चों फटाफट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सबके गलत है आंसर्स। ये सेम डायरेक्शन है बच्चों, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। ये यही गलती होती है इसमें कि क्योंकि हमें बार बार बी दिख रहा होता है तो हमें लगता है कि वी वाली डायरेक्शन होगी, या हम कहते हैं कि फोर्स वाली डायरेक्शन होगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। प्लीज रिमेम्बर दिस। ऐसे ही बच्चों यहां भी लिख लो वर्क के लिए भी कि इट इज स्केलर। सर जैसे कि काइनेटिक एनर्जी के साथ वेलोसिटी थी, बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? ये ना आप 11th क्लास में सीखोगे कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी आ रहा है ना, तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है। तो हम 11th क्लास में देखेंगे कि जब दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कुछ केसेस में स्केलर आता है और कुछ केसेस में वेक्टर आता है। इसके यूनिट्स क्या होते हैं बच्चों? न्यूटन मीटर और जूल, ठीक है। बिल्कुल यही सेम यूनिट्स काइनेटिक एनर्जी के भी होते हैं। इसके सीजीएस यूनिट्स क्या होते हैं बच्चों? और ईआरजी। और इनमें रिलेशन ये होता है कि 1 joule इज इक्वल टू 10^7 अव। ओके, तो बच्चों आप एक बात समझो, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं आ सकता। अगर आप किसी फॉर्मूला में लेट अस से आप वी निकाल सकते हो, राइट, तो उस फॉर्मूला में आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, है ना। वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी तो निकल ही सकती है। एक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, वो है काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम। तो हम याद करें जो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर।
तो अगर बच्चों मैं v की वैल्यू इधर पुट करूं तो ये क्या बन गया, हाफ m p स्क्वायर बाय m स्क्वायर, तो ये बन गया p स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और दूसरी तरह भी लिख सकता हूं कि p इज इक्वल टू रूट 2m ke। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि काइनेटिक अगर मोमेंटम दिया हो तो उससे काइनेटिक एनर्जी निकालना, या फिर अगर काइनेटिक एनर्जी दी हो तो उससे मोमेंटम निकालना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चों ये किया नोट, p इज मोमेंटम, यस। ओके, इसके बाद आता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि अगर एक बॉडी मास m ग्राउंड से हाइट h पे है, ठीक है जी, तो इस केस में जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू mgh। तो m बॉडी का मास हो गया, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज द हाइट। ठीक है जी, ये पीछे वाला देखो मैंने क्या किया है, मैंने काइनेटिक एनर्जी में मेरे पास देखो एक हमने पिछली क्लास में रिजल्ट किया था मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने क्या किया है तो कि वी की वैल्यू मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी के अंदर पुट कर दी, तो उससे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया पी स्क्वायर बाय 2m। और उसको अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो p क्या बन गया रूट टू एम के ई। फिलहाल तुमने लेट ज्वाइन किया था क्या, बच्चों मैं एक बात बताऊं अभी ना नोट करने पे फोकस ना करो, तो इतना टाइम नहीं है, आप अभी बस समझने पे फोकस करो। एनीवेज मैं शेयर करूंगा तो आपके पास सारा कुछ आ ही जाएगा, है ना। अभी बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर टाइम इज कि समझो बस जो मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस ट्राई करो। हाँ सारा कुछ शेयर होगा एज इट इज, रिकॉर्डिंग भी और नोट्स भी, राइट। एनर्जी कंजर्वेशन में बच्चों क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि एनर्जी इज कंजर्व, तो उसमें क्या हो जाएगा काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कहीं पर भी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच की बच्चों जो वैल्यू है दैट विल बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि जैसे आपको ये कहा कि भाई इतनी हाइट पे इतनी स्पीड है, किसी दूसरी हाइट पे बताओ क्या स्पीड होगी,
तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से अप्लाई कर दोगे कि किसी एक हाइट पे जो स्पीड है उसका हाफ एम वी वन स्क्वायर और उसका एम जी एच वन, वो दूसरी हाइट की स्पीड और दूसरी हाइट उसका एम जी एच टू। कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि मास तो गिवन नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती बच्चों क्योंकि मास तो कट ही जाता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सबको समझ आ गया बच्चों? यस नो लिखो। हाँ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 या 10। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन ट्राई करो और फिर आंसर मार्क करो। सर cos 60 की वैल्यू बता दो अभी। पता होनी चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। ये 10th में होता है ना आपके sin cos? यस सर, वो टेबल बनाना पड़ेगा। बनाओ, पेपर में बन के थोड़ी आएगा। याद होनी चाहिए बच्चों ऐसी वैल्यूज। सर cos 60 इज इक्वल टू 1/2। नहीं नहीं नहीं, बताना नहीं है। बता तो मैं भी सकता था। चलो बच्चों, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके तो गुड बच्चों, मोस्टली लोगों का सही था, कुछ एक दो लोगों ने गलती की, आपने उसको लिख दिया है सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसमें अपने को क्या करना था, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स दी हुई है 10, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 4, थीटा दिया हुआ है 60। cos 60 बच्चों हाफ होता है, तो इसलिए हमारा आंसर 20 जूल्स आ गया। बच्चों एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझो, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया होता कि यहां x की जगह इधर y दिया होता, ठीक है। एक बार ईमानदारी से सोच के बताना कि कितने लोग तो भी सीधा बस ऐसे ही फॉर्मूला लगा देते ये सोच के कि भाई हाँ फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, एंगल दिया है, तो एफ एस कॉस 60 लगा दो और आंसर निकाल दो।
जल्दबाजी में हम यही करते ना, हम ऐसे ही सोचते हैं कि भाई हाँ फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। सर वाई मतलब ऊपर को उठाना पड़ेगा। अब उसमें ध्यान क्या रखना था, देखो उस केस में फिगर क्या बनता, समझो बात को, कि डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही हो रही है। अब जो फोर्स है अगर बच्चों उसका एंगल y एक्सिस के साथ दे दिया जाता 60 डिग्री, बताओ फिर क्या करते। जो हमारे काम का एंगल है बच्चों वो तो ये वाला है ना, 30 वाला, 30 डिग्री मतलब जो थीटा एंगल होता है वो कौन सा होता है, वो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो वो जान के ऐसे दे देते हैं ताकि आप जल्दबाजी में 60 लिख दो, लेकिन यहाँ पे करना क्या पड़ना था, यहाँ पे एफ एस कॉस 30 डलता। ये बात समझ रहे हो बच्चों? यस सर। यस सर। मतलब जल्दबाजी में सीधा ये नहीं सोचना कि हाँ फॉर्मूला लगा दिया, आपको पता होना चाहिए कि थीटा एंगल कौन सा होता है। मैं एक बार वहां लिख भी देता हूं ताकि अपने को आगे के लिए भी याद रहे, फिगर में मैंने वैसे दिखाया हुआ है बट स्टिल और सेपरेटली लिख लेते हैं कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ तो इस केस में जो मैंने नई सिचुएशन बनाई उस केस में हमारा आंसर 20√3 होता। एंड बच्चों ऑप्शंस में पक्का 20 भी होता ही होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बहुत। सबको क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन? यस सर। चलो ये ट्राई करो। मोमेंटम आएगा जल्दबाजी में गलत मत करना प्लीज, ध्यान से करना। इस आंसर में बहुत वैरायटी है, सबके अलग अलग आंसर्स। आज ही करवाया बच्चों आपको एक कंसेप्ट, उससे सोचो। चलो भाई इसमें क्या करना था, आपको कहा है कि मोमेंटम इक्वल है काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी है, मास इनटू वेलोसिटी इक्वल है, वो करो ही मत जब रिलेशन कर तो लिया हमने। हाँ जी सर, कैन आई से समथिंग? यस सो वी हैव बीन गिवन विद द रिलेशन दैट k इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m, सो इफ हियर वी आर गिवन दैट द मोमेंटम इज इक्वल, सो दैट मींस दैट द p स्क्वायर आर इक्वल एंड इट वुड बी कांस्टेंट, सो वी हैव टू कंपेयर लाइक दैट जस्ट कंपेयर m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो द लाइटर द बॉडी द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी। राइट राइट एग्जैक्टली यही करना था। तो सीधा आप ये वाला रिलेशन लिखोगे बच्चों p स्क्वायर बाय 2m, अब p तो दोनों का सेम है तो क्लियरली जिसका m कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो हमारा आंसर सीधा सीधा a आ गया, ठीक है। नथिंग मच टू डू, बहुत आसान क्वेश्चन था।
ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने डी भी मार्क किया। इसमें बच्चों क्या होगा, सी करने को आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप पहले एम इंटू वी इक्वल लिख दो और फिर उससे सॉल्व करो, बट वो टाइम लग जाता, ठीक है, और गलती भी हो सकती थी। जब हमने रिजल्ट इसी क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमने रिजल्ट लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो बच्चों। सर जैसे कि आपको बताया कि कॉल आ गई थी, सर ऐसे बता दो कि काइनेटिक एनर्जी कब फाइंड करनी है और पोटेंशियल कब। देखो अगर कुछ हाइट से रिलेटेड दिया होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का रोल आएगा, अगर सिंपली कुछ हाइट की बात ही नहीं हो रही, ऐसी ही बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी की बात ही होगी। क्वेश्चन ट्राई करो, इससे क्लियर हो जाएगा एकदम। बच्चों मेन पोजीशन का मतलब होता है सबसे नीचे वाली पोजीशन, आपको एक पेंडुलम टाइप सिचुएशन दी हुई है, राइट? आपको उसकी वेलोसिटी पूछी है लोएस्ट पोजीशन पे, और आपको ये बताया हुआ है कि वो पेंडुलम जो है वो 10 सेंटीमीटर हाइट तक राइज कर सकता है। चलो बच्चों लास्ट 1 मिनट फटाफट करो। ओके चलो बच्चों टाइम अप। एक
अच्छा एक सेकंड, आप स्क्रीन अभी दिख जाएगा आपको, समझो क्वेश्चन। आपको क्या कहा था, क्या पूछा था? लोएस्ट पॉइंट पे आपको वेलोसिटी पूछी थी और आपको ये बताया हुआ था कि वो किस हाइट तक जा सकती है बॉल, राइट, पेंडुलम। तो वो हाइट क्या थी बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस वाज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई कांट से क्वेश्चन। हाँ, जस्ट अ सेकंड। So I can see 14 students का आंसर सही था इसमें। देखो क्या करना था अपने को कि ये दो सिचुएशंस हैं बच्चों। इस सिचुएशन में यहां पे वो 10 सेंटीमीटर हाइट से राइज कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि ये जो पोजीशन है यहां पे इसकी स्पीड क्या होगी? जीरो होगी। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइट मैक्सिमम है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है पेंडुलम के साथ? इस पॉइंट के बाद तो वो वापस आएगा ना, वो यहां तक गया है और यहां से वो मुड़ के वापस आने लगा है, करेक्ट। और आपको लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड पूछी है, तो हमने वही एनर्जी कंजर्वेशन वाला मेथड लगाना था बच्चों। हम क्या करेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, पहले तो हाइट जीरो है, इज इक्वल टू बाद में हाफ एम जीरो स्क्वायर प्लस एम जी 10 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसको 10/100 कर दो, ठीक है। तो ये m कट गया, इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहां से आपके पास जो v आएगा वो रूट ऑफ 1.96 आएगा। ठीक है, तो जो कि 1.4। समझ आया? आप में से बच्चों समवन ऑफ यू मेंशन्ड कि सीधा v इक्वल टू रूट टू जी एच लगा सकते हैं, बताओ वो सही है या गलत है? मतलब इस केस में बाई चांस आंसर आ रहा है रूट टू जी एच लगा के, बताओ बच्चों वो सही है या गलत है? आंसर आ रहा है बच्चों बाय चांस, बट वो मेथड गलत है। उसका रीजन ये है कि वो जो v इक्वल टू रूट टू जी एच फॉर्मूला होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो नहीं रही, यहाँ तो ये ऑसिलेटरी अजीब सी मोशन है, इसलिए वो डायरेक्टली नहीं निकला। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। जो हमारा फॉर्मूला होता है ना v इक्वल टू रूट टू जी एच, वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होता है, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, की बॉडी सीधा जा रही हो ऊपर या सीधा जा रही हो नीचे, वो ऐसे कर्व्ड पाथ्स के ऊपर नहीं अप्लाई होता। Okay, ये जो फॉर्मूला आया है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन से आता है, राइट, तो वो तो स्ट्रेट लाइन पे ही अप्लाई होती है। ओके तो बच्चों समझ आ गया ये बच्चों वर्क वाले चैप्टर से ना, वर्क एनर्जी से। मैंने मतलब आपको
यही तीन टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। एक है वर्क कैलकुलेट करना, एक है वर्क मतलब एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट करना, और तीसरा है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। मैंने आपको हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा दिया, क्या ये बात समझ आई? नेक्स्ट बच्चों कंसेप्ट होता है पावर, ठीक है। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन में वर्क डन निकाला है और टाइम गिवन हो, आप उसको डिवाइड करके यू कैन फाइंड आउट पावर, और इसके यूनिट्स होते हैं वॉट। और एक बच्चों कॉमन यूनिट होता है हॉर्स पावर, horsepower is equal to 746 watts. So this is scalar quantity or vector? Scalar. ये पूरा चैप्टर इसमें सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज ही होती हैं, वर्क पावर एनर्जी, ऑल थ्री आर स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों टू द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th विच इज साउंड, ठीक है। ये बच्चों बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। इसका फायदा ये होता है इस चैप्टर का साउंड का बच्चों कि ना यहाँ से जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो मतलब अगर क्वेश्चन जो आता है वो बहुत आसान होता है, वो हो ही जाता है, तो मतलब हमें तो होप करनी चाहिए कि इससे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। क्या बात मेन यहाँ पे समझने वाली है देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रक्स है बच्चों यहाँ पे वो है कि हमें ये समझना है कि एक वेव जो होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज में देखो बच्चों क्या कुछ आता है, जब हम एक वेव को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है बच्चों उसको हम कहते हैं एज क्रेस्ट, ठीक है। जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं ट्रफ, ठीक है। एक बात बच्चों आप समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक वेव ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वेव को बच्चों हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक होता है कि हम वर्टिकल एक्सिस पे तो हमने वाई दिखाया एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स दिखाया, मतलब हमने वेरिएशन जो है वो एक्स के साथ दिखाई। दूसरा होता है कि हमने वर्टिकल पे तो स्टिल वाई रहा, हॉरिजॉन्टल पे हमने टाइम दिखाया। तो बच्चों इंटरेस्टिंगली तो भी ग्राफ सेम ही बनता है, ठीक है। हमें ये भी याद रह जाता है कि हाँ जी वेव ऐसी होती है जैसे मैंने बनाई हुई है ये जो ब्लू सी है, बट हमें ये ध्यान नहीं रहता कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है। तो लेट्स रिमेंबर कि एक्स एक्सिस पे जो मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे एक्स कोऑर्डिनेट भी हो सकता है और उससे टाइम भी हो सकता है। इससे बच्चों फर्क क्या पड़ता है अभी समझते हैं। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज अब हमने समझनी है यहाँ पे। ये बच्चों ये जो मैंने रेड लेंथ दिखाई है मतलब जितना उसने सेंटर से मीन पोजीशन से मूव किया, इसको क्या कहते हैं बच्चों? Amplitude. ठीक है, जो बच्चों जहां पे रेस्ट पोजीशन लिखा हुआ है सेंटर वाली, इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट रेस्ट पोजीशन कहना ही नहीं है, हम मीन पोजीशन ही कहेंगे। तो अब बच्चों क्या होता है क्रेस्ट और ट्रफ में? क्या क्रेस्ट होता है? ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाला एक्सट्रीम पॉइंट, ट्रफ होता है नीचे वाला एक्सट्रीम पॉइंट।
बस यही फर्क है। नेक्स्ट बच्चों देखो क्या होता है, जब तो ग्राफ एक्स के साथ होता है ठीक है, तो जितने डिस्टेंस में एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है ठीक है, जिसके बाद दोबारा वही सेम वेव रिपीट हो रही होती है, उसको क्या कहते हैं हम, वेवलेंथ। वेवलेंथ ठीक है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और जब ग्राफ होता है टाइम के साथ ठीक है, तो जितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से समझना कि एक्स एक्सिस पर जो गिवन है उससे वेवलेंथ भी निकल सकती है और उससे टाइम भी निकल सकता है ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि एक्स एक्सिस पे क्या गिवन। ये बच्चों किस चीज का टाइम हुआ, एक साइकिल का टाइम ठीक है, जितने में एक साइकिल रिपीट होता है ठीक है, तो उसके बाद तो वो मतलब वो सेम बात रिपीट होती जा रही है। तो टाइम पीरियड से बच्चों हमारे पास रिलेशन आता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इज वन बाय टाइम पीरियड ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ग्राफ से इनडायरेक्टली हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ठीक है ना, कैसे कि पहले हमने टाइम पीरियड लिया और फिर उसका उल्टा करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं एक बात बच्चों और भी समझो, ये कोई जरूरी नहीं है कि टाइम पीरियड और वेवलेंथ बिल्कुल स्टार्टिंग से ही दिखाने थे, ये मैं कहीं से भी दिखा सकता हूं, बस जरूरी ये होता है कि मुझे उतनी देर के लिए दिखाना है जितने में वो सेम ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाए ठीक है। जैसे देखो मैंने अब ऊपर दिखा दिया टी, तो आप देख सकते हो कि उतनी ड्यूरेशन के बाद वही सेम ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा, फिर सेम ही टाइम होगा। हाँ हाँ सेम ही टाइम होगा ऑफ कोर्स, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कंफ्यूज मत होना कि मतलब कहीं से भी देख सकते हो आप टाइम पीरियड सर। क्या कंडीशन बस ये है कि ग्राफ रिपीट होना चाहिए। सर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हम कैसे कह सकते हैं इनवर्सली रिलेटेड है? टाइम पीरियड की डेफिनेशन होती है कि कितने टाइम के बाद एक साइकिल कंप्लीट हुआ ठीक है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए ठीक है। सर हम लैम्डा से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं ना? नहीं मतलब वो फॉर्मूला होता है, सीधा नहीं निकाल सकते वो फॉर्मूला यूज़। बट यहाँ पे सर लैम्डा और यहाँ पे टाइम पीरियड तो सेम है। सेम नहीं है, अलग अलग वैल्यूज हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि देखो ग्राफ आपको एक फॉर्म में दिया होगा, या तो ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स लिखा होगा ठीक है, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लिखा होगा ठीक है। तो अगर x वाला ग्राफ है तो वहां से वेवलेंथ निकलेगी, फिर टाइम नहीं निकलेगा, और अगर टाइम वाला ग्राफ है तो फिर टाइम निकलेगा, फिर वेवलेंथ नहीं निकलेगी। सो व्हाट डज x सिग्निफाई? x सिग्निफाइज द x कोऑर्डिनेट, नॉर्मल जैसे हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं y x ग्राफ, कोई वाली चीज। No, sir, I mean to say कि x की ऐसी क्या वैल्यू होती है that उससे हमें वेवलेंथ निकलती है, टाइम पीरियड नहीं, because time से टाइम पीरियड निकलता है। नहीं देखो वेवलेंथ इज अ टाइप ऑफ लेंथ है ना, तो वो x से ही निकलेगी, टाइम पीरियड टाइम से ही निकलेगा। तो वेवलेंथ क्या बता रही है आपको कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अब दोबारा वही सेम मोशन रिपीट हो गई ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं ठीक है। लेट अस से
आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल जाके वापस आ गए, ठीक है, और आप ऐसे दिन में लेटस से 10 चक्कर लगा रहे हो, स्कूल गए वापस आए, स्कूल गए वापस आए एंड सो ऑन, ठीक है। आपको अपने घर से स्कूल जाने में और वापस आने में मान लो टाइम जो लगता है आपको वो लगते हैं 5 मिनट, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो मान लो कि वो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ठीक है। तो एक पूरे चक्कर का डिस्टेंस कितना हुआ? 2 किलोमीटर। तो वो वेवलेंथ हो गई आपकी इन अ वे 2 किलोमीटर। एक पूरे चक्कर में टाइम कितना लगा? 5 मिनट। तो आपका टाइम पीरियड हो गया 5 मिनट्स। ओके सर, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड, ठीक है बच्चों, और इसके यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज। ठीक है, एक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, व्हिच इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां पे वी क्या होता है? स्पीड ऑफ वेव। सर हमें कैसे पता भी जो जूमिंग से लाइट की वो साउंड की स्पीड है वो वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड होती है? ये ड्राइव हो जाता है कैसे सर? अभी नहीं कर पाओगे बट मतलब इट कैन बी डिराइव। वो उसी एग्जांपल से कर लेते हैं जो मैंने आपको अभी स्कूल वाला समझाया था। जैसे हमने कहा कि एक चक्कर काटने में टोटल आपको कितना टाइम लगा, जो हमने एग्जांपल लिया था 5 मिनट और डिस्टेंस ट्रैवल किया था 2 किलोमीटर। तो 5 मिनट आप आने जाने के कह रहे हो या सिर्फ आने के या सिर्फ जाने के? टोटल एक साइकिल पूरा आना जाना। ठीक है, तो स्पीड क्या हुई आपकी? आप ऐसे ही निकालोगे ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5 किलोमीटर अपॉन 2 मिनट्स। ठीक है, इसको वेव के हिसाब से 5 किलोमीटर एक तरीके से क्या था बच्चों? लैम्डा। 2 मिनट्स क्या था एक तरीके से? टाइम पीरियड। तो ये बन गया लैम्डा इनटू 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये बन गया लैम्डा इनटू एफ। ठीक है, सर, बट हम तो जैसे स्कूल सीधे रास्ते से जा रहे हैं बट एक वेव तो एक तरह की सर्कुलर फॉर्म आ गई, तो सर दोनों अलग अलग चीजें नहीं हो गई? नहीं, ये तो एक जस्ट एक सिंपल मेथड बताया मैंने आपको, मतलब ऑब्वियसली तभी मैंने बोला था कि वेव की डेरिवेशन तो कॉम्प्लेक्स होती है ना, तो समझने के लिए इसकी पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है वेव्स की जिससे ड्राइव होती है ये चीज। हाँ बच्चों, तो बच्चों क्या होता है, जैसे मैं आपको कह रहा था कि इस पे ना जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजी आते हैं। व्हाट हैपेंस इज कि सीधा पूछा जाएगा आपको, या तो ग्राफ से सीधा पूछ लेंगे वेवलेंथ क्या है या टाइम पीरियड क्या है, या बस ये वी इक्वल टू एफ लैम्डा वाला रिलेशन लग जाएगा। ठीक है जी, कोई भी बच्चों इसमें डाउट? सर एम्पलीट्यूड की यूनिट्स क्या होंगी? सर एम्पलीट्यूड की यूनिट्स? एम्पलीट्यूड की यूनिट्स डिपेंड करता है एक्चुअली, वेव जो होती है वाई एक्सिस पे अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट की जा सकती है, तो
वो आपको मतलब यहाँ पे मेंशनड होगा वाई के साथ कि क्या यूनिट्स है, मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती हैं, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, ये प्रेशर भी हो सकता है, ये डेंसिटी भी हो सकती है, एंड सो ऐसे कुछ फिक्स नहीं होता। नोट्स अभी बनाने की जरूरत नहीं है, ये मतलब मैं शेयर करूंगा ये आपके साथ, अभी बस समझते जाओ। हाँ बच्चों बोलो, एक बार फिर से देख लो, क्योंकि ये साउंड में मतलब बहुत छोटा सा ही पार्ट है, इसमें कुछ भी और कंफ्यूजन है प्लीज आस्क। सर हम लैम्डा फ्रीक्वेंसी के मैग्नीट्यूड को कहते हैं। फिर बोलो सर, लैम्डा हम फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को कहते हैं। लैम्डा अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है ना, लैम्डा वेवलेंथ है, वो एक अलग क्वांटिटी वेवलेंथ, वेवलेंथ को हाँ वेवलेंथ को लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा है, जैसे आप स्पीड को वी से डिनोट करते हो ऐसे वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। सर क्वेश्चन दिखा दो कैसे आएंगे? क्वेश्चन बिल्कुल सीधा कि एक वेव की आपको स्पीड दी हुई है और आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो आपको उसकी वेवलेंथ पूछ ली सीधा ऐसे, ठीक है? अच्छा बच्चों साउंड की स्पीड क्या होती है? 346 मीटर पर सेकंड, मतलब अप्रोक्स 330, ठीक है, मतलब वैसे कोई एग्जैक्ट नहीं याद रखनी होती हमें। सर अप्रोक्स 300 330। अभी जो भी कोई बोल रहा था आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, प्लीज रिपीट, अब क्या कह रहे थे? This is the speed of light, speed of sound in air. Air, yes. And it differ in matter and others. Yes, बाकी सब में different होती है. Solids में, liquids में जो sound की speed होती है वो different होती है. सर ये स्पीड तो डेंसिटी पे डिपेंड करती है ना? यस, डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये अपने क्लास 11th के सारे टॉपिक्स ब्रीफली कवर हो गए। सर ट्रांसफर से वो क्लास 9 सर आप क्लास 11th कह रहे हो? हाँ मैं क्लास 9 सर। सर ये ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? वो मैं समझा देता हूँ। व्हाट हैपेंस इज कि जब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा उसके लिए जरूरी कि एक वेव का मीनिंग क्या होता है। बताओ बच्चों मुझे। वेव का मीनिंग क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो अब मान लो कि मैं जो एनर्जी, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है बच्चों, ठीक है, कि मान लो मैं जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं वो मैं ऐसे लेफ्ट से राइट ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। अब जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो डिपेंडिंग अपॉन कि मैं कहां पे एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था, जहां पे मतलब एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं वहां के पार्टिकल्स कैसे हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि एक तो जो वहां के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर दें जब उन्हें एनर्जी मिली, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो ऐसे
अलोंग द लेंथ वाइब्रेट करें। तो मतलब एक केस में क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल आप एनर्जी किधर को भेज रहे हो, सबसे पहले ये समझो इस फिगर से। लेफ्ट टू राइट है ना, तो आप एनर्जी भेज रहे हो लेफ्ट टू राइट। तो जो आपके पार्टिकल्स हैं, अगर तो वो पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, मतलब एनर्जी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एज ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और अगर वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में आप एनर्जी भेज रहे थे, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसको आप याद भी ऐसे रख सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल कम्स फ्रॉम द वर्ड अलोंग, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चों एक जो बात अब याद रखनी है कि जो लाइट वेव होती है, यानी वैसे हमें अगला चैप्टर लाइट की बात ही करनी है, तो लाइट वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है, साउंड जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल। एक बार दोबारा समझो, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी भेज रहे हैं, ठीक है। मान लो हम एनर्जी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भेज रहे हैं, ठीक है। तो जब जो पार्टिकल्स थे, जब उन पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, तो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, या तो वो पार्टिकल्स एक्स एक्सिस के अलोंग ही वाइब्रेट करने लग जाएं, ठीक है, या फिर वो पार्टिकल्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करने लग जाएं, ठीक है। तो अगर तो वो पार्टिकल्स एक्स एक्सिस के अलोंग ही वाइब्रेट कर रहे हैं, बेसिकली एक्स एक्सिस की क्या सिग्निफिकेंस है कि जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही थी, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल कम्स फ्रॉम द वर्ड अलोंग, मतलब सेम डायरेक्शन। और अगर जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ओके सर, थैंक यू। यस, ये जेड एक्सिस पे कर सकता है क्या? जेड एक्सिस पे जेड भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए। सर फिर उसमें ट्रांसवर्स होएगा या लॉन्गिट्यूड? ट्रांसवर्स। ओके सर। यस भारती। सर हम ग्रेविटेशन नहीं कवर करेंगे? नहीं, ग्रेविटेशन से बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आता है, तो अभी नहीं उसको हम कवर कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। अभी जो हम ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको कर रहे हैं। चलो बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज लाइट, ठीक है। ये जो आपका क्लास 10th का चैप्टर है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फिर से बच्चों, डोंट नोट राइट नाउ, जस्ट अंडरस्टैंड। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है बच्चों, जो उसकी वैक्यूम में स्पीड होती है वो 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है, ठीक है। लाइट वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है, लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। किसको मीडियम चाहिए होता है बच्चों? साउंड, साउंड, ठीक है ना, साउंड। साउंड को मीडियम चाहिए होता है। तो हमने आज दो डिफरेंसेस की बात कर ली लाइट और साउंड में, कि साउंड ट्रांसवर्स थी, लाइट ट्रांसवर्स, साउंड लॉन्गिट्यूडनल थी, लाइट ट्रांसवर्स है, साउंड को मीडियम चाहिए होता है, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है। और लाइट वेव होती है, तो इसका मतलब लाइट के ऊपर भी बच्चों वो वाला फॉर्मूला v=f λ वाला एप्लीकेबल है। सर, यस सर, दोनों वैसे तो वेव ही है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, तो इसमें मीडियम क्यों नहीं चाहिए होता लाइट में?
वो उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, वो अभी मतलब हम सीधा नहीं समझ सकते कि क्या रीजन होता है कि लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होती है, तो उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। ओके सर। सर लाइट एक वेव और रे दोनों आके के लिए वेव होती है? लाइट लाइट दोनों की तरह भी एक्ट करती है, रे की तरह भी करती है, वेव की तरह भी करती है। तो लाइट बिहेव तीन तरीके से करती है बच्चों, वैसे तो लाइट रे की तरह भी बिहेव करती है, लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है, और लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो लाइट बच्चों एक बहुत ही मतलब पेक्यूलियर चीज है, बहुत स्ट्रेंज चीज है, मतलब इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैटर ऑफ रिसर्च टिल नाउ कि लाइट ऐसे अजीब तरीके से बिहेव क्यों करती है। ठीक है सर, हमने तो मतलब की बात करनी है ना। हाँ, हमें तो अभी रे की ही बात करनी है। तो बच्चों आपको मैं वैसे बता रहा हूँ कि मतलब क्या हुआ था कि आइंस्टाइन की जितनी थ्योरीज आई हैं बच्चों, राइट, जैसे आपने सुना होगा आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था, और जितनी उसकी थ्योरीज हैं जो आप सुनते हो, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड सो ऑन, तो ये सारी का जो बेसिस था, जहां से स्टार्ट हुई थी, वो यहीं से हुई थी कि भाई वो लाइट को इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि भाई ये लाइट की ये ऐसी अजीब सी क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो वहां से करते करते ये पूरी की पूरी रिलेटिविटी की थ्योरी फॉर्म हो गई। तो नेक्स्ट बच्चों जो लाइट की हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट एक सरफेस को स्ट्राइक करती है तो वो उसे टकरा के वापस चली जाती है, तो ऐसे में वो जो लॉस फॉलो करती है बच्चों क्या होते हैं कि एक तो जो सारी रेज हैं इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, राइट। और दूसरा होता है कि जो आई है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज इक्वल टू आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये ध्यान रखना है कि ये जो एंगल्स हैं इनको मेजर करना है नॉर्मल के साथ। ठीक है, जो जैसे एक एग्जांपल ट्राई करो, मान लो लाइट ऐसे आ रही है बच्चों 30 डिग्री के एंगल से, तो लाइट पहले मिरर 1 से टकराई, फिर मिरर 2 से टकराई, तो आपको बताना है कि जो लाइट मिरर 2 से रिफ्लेक्ट हुई उसका x एक्सिस के साथ क्या एंगल है? सर 30 डिग्री। सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री। सर 60 डिग्री। सर 60 डिग्री। एक बार। सर 60 डिग्री। जल्दी नहीं है, सोच के सही आंसर दो मुझे।
60 डिग्री सर चार्ट में लिखो बच्चों चार्ट में लिखो बोलो मत देखो बच्चों दिस इज द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन टू यू मुझे नहीं पता आंसर अभी 30 है या 60 है बट जल्दबाजी में गलत आंसर देना इज वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस ठीक है कोई भी एग्जाम में बच्चों आपको जल्दी आंसर देने के लिए मार्क्स मिलते हैं आपको ठीक आंसर देने के मार्क्स मिलते हैं प्लीज कीप दिस इन माइंड ठीक है हम उसको प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं कि हाँ हम सबसे जल्दी आंसर करें इट डज नॉट हेल्प एट ऑल ओके तो यहाँ पे क्या होगा जो लाइट बच्चों पहले रिफ्लेक्ट करेगी वो ऐसे करेगी अब जो सेकंड सरफेस है उस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया 60 ये एंगल 60 हुआ ठीक है जी तो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगी वो ऐसे जाएगी उसका एंगल भी 60 होगा तो बच्चों ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई इसका एक्स एक्सिस से क्या एंगल है 30 है पता नहीं आपने क्या मिक्स मैच करके आप लोगों ने आंसर किया हाँ जी क्लियर हो गया ये सबको यस तो जो इस केस में फिर भी मतलब ये सीधा आसान हो गया था क्योंकि यहाँ पे ये एंगल 90 था ठीक है अगर मैं इस एंगल को 90 की जगह कुछ और कर देता तो आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाकर मतलब थोड़ा सा और मतलब एंगल्स निकालने में टाइम लगाना पड़ता ठीक है 60 कैसे आया वो तो यही मतलब ये जो एंगल है ये 90 बन रहा था ना तो उस कारण से ये 60 बन गया नीचे वाला क्या बच्चों यस सर तो नेक्स्ट बच्चों जो पॉइंट आपको नोट करना है वो हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर तो जब मान लो बच्चों एक पर्सन मिरर के आगे खड़ा होता है और जो उसकी इमेज बनती है वो बच्चों क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करती है लेटरली इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज ऑफ द इमेज सेम इमेज वर्टिकल डिस्टेंस सेम डिस्टेंस हम बच्चों एक और चीज भी लिखेंगे मान लो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड v है तो इमेज की स्पीड भी v हो जाती है ठीक है तो क्या बोलेंगे हम स्पीड के बारे में सेम वेलोसिटी सेम स्पीड नो दोबारा सोचो बच्चों स्पेसिफिकली सोचो स्पीड के लिए क्या बोलोगे और वेलोसिटी के लिए क्या बोलोगे
मोर इज द स्पीड मोर बिग विल बी द इमेज नहीं नहीं मतलब ये बताओ स्पीड के लिए क्या बोलोगे कि स्पीड को क्या हो रहा है सेम है या डिफरेंट है और वेलोसिटी के लिए बताओ कि क्या बोलेंगे कि वो सेम है या डिफरेंट है सेम वेलोसिटी सेम स्पीड डिफरेंट वेलोसिटी यस सेम सेम स्पीड एंड ऑपोजिट वेलोसिटी ठीक है याद रखो जो मैंने आपको पहले बताया था कि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है करेक्ट तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो गई ना स्पीड को स्केलर है स्पीड में तो डायरेक्शन की हम बात ही नहीं करते सब बट इफ वी मूव फॉरवर्ड्स द इमेज आल्सो मूव फॉरवर्ड्स यस सो देन हाउ इज द डायरेक्शन ऑपोजिट और इज इट ऑप्शन ऑपोजिट इन आवर कॉन्टेक्स्ट इन योर कॉन्टेक्स्ट यस कि हमें अगर हम जैसे अभी जिस तरह से देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है ना कि अगर ऑब्जेक्ट राइट को जा रहा है तो इमेज लेफ्ट को जा रही है नेक्स्ट बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हमने नोट करना है कि एक मिरर के अंदर अपनी फुल इमेज देखने के लिए मतलब मान लो पर्सन की हाइट h है h by 2 तो हमें h by 2 हाइट का ही मिरर चाहिए होता है ठीक है और एक और केस बच्चों हम जो नोट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे बच्चों मान लो एक ऑब्जेक्ट है उसकी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऊपर को है एंड 10 की राइट को है 5 की ऊपर को है तो जो उसकी इमेज बनेगी उसकी वेलोसिटी ड्रॉ करो क्या होगी सर क्वेश्चन नहीं समझ आया आप क्या पूछ रहे हो एक बॉल है उस बॉल की दो वेलोसिटीज मैंने शो कर दी कि 10 उसकी वेलोसिटी राइट को है 10 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है Sir, 10 meter per second left and 5 meter per second down. ये 15 कहाँ से निकाल रही? फिर सेम ही रहेंगी क्योंकि प्लेन में रहेंगी. फिर सेम. मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ. नहीं तो सिखाया हूँ. Sir, we have to find the velocity of the image. Yes. And I just need these arrows. जैसे मैंने बनाए हुए हैं, ऐसे ही आप भी arrows बनाओ. So 5 meter per second towards the left. देखो मैं क्या है आप ना दोनों एरोस को अलग अलग करके सोचो एक मिनट के लिए 5 को भूल जाओ तो आप 10 के हिसाब से क्या कहते हैं अगर 10 राइट को है तो क्या दिखता है 10 meter per second towards left. 10 meters per second towards left. यही हमने ऊपर को लिखा ये ऊपर लिखा था हमने ऊपर वाले पेज पर और ये जो 5 है ये एक बार लॉजिकली सोचो अगर मिरर के पैरेलल एक वेलोसिटी 5 को है ऊपर को तो ये वाली 5 ऊपर को ही होगी माइनस 5 ऑपोजिट ये वाली वेलोसिटी नहीं ऑपोजिट होती कौन सी वेलोसिटी ऑपोजिट होती है जो मिरर की तरफ होती है जो मिरर के पैरेलल होती है
वो वाली वेलोसिटी नहीं रिवर्स होती, वो तो सेम ही रहती है। ये आप अपने लॉजिक मतलब नॉर्मल किसी फिगर से समझ भी सकते हो आप, है ना। अगर आप मिरर के सामने एक बॉल को ऊपर की तरफ मूव करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपको मिरर के अंदर वो बॉल नीचे को जाती नजर आएगी, मिरर में भी तो वो ऊपर को जाती हुई नजर आएगी बच्चों, isn't it? Yes. ओके नेक्स्ट आते हैं बच्चों कर्व मिरर्स। तो कर्व मिरर के अंदर बच्चों जो एक तो जो मेन डेफिनेशंस हो गई राइट, जो आपने पढ़ी होंगी स्कूल में, मैं उस पर नहीं टाइम लगा रहा, जैसे पोल फोकस एटसेट्रा वो आपको आनी चाहिए। मेन जो आपने बच्चों जहां से क्वेश्चंस आते हैं ठीक है, सबसे ज्यादा एक तो है जो आपका मिरर फॉर्मूला है, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और इसमें मैग्निफिकेशन होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि होगी वी बाई। सबको पता है कि ये जब फॉर्मूलाज हम अप्लाई करते हैं तो इनके अंदर एक साइन कन्वेंशन लगती है। यस सर। यस ठीक है, ये बहुत ही ध्यान रखना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। m इक्वल्स टू माइनस v बाय u नहीं होता? यस माइनस v बाय u होता है, बिल्कुल ठीक। जो अननोन क्वांटिटीज होती हैं बच्चों उसमें कभी आपने साइन नहीं पुट करना, ठीक है, वो अपने आप सॉल्व करने के बाद आएगा साइन, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल ही लेते हैं हम सीधा, मान लो कनकेव मिरर है, इसका रेडियस दिया हुआ है आपको 40 सेंटीमीटर, ये एक ऑब्जेक्ट है हाइट 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस 30। तो the question is find position and size of image। ek aur try bachao सर। साइज आ रहा है -2 चैट में। हाँ अर्पित ठीक है। एंड बच्चों आप ना साथ में इमेज की नेचर भी बताओ, ठीक है, वो रियल वर्चुअल
मैग्निफाइड क्या कुछ है ठीक है बच्चों जिन्होंने चैट में लिखा हाँ जी ठीक है बिल्कुल तो इसमें बच्चों जब आप सॉल्व करोगे आपका u क्या डल गया -30 v आपको निकालना है फोकल लेंथ क्या हो गई इस केस में -20 राइट तो जब आप अपना रिजल्ट अप्लाई करोगे 1/u + 1/v = 1/f यहां से बच्चों आपका जो v आएगा वो -60 सेंटीमीटर का और अब जब मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाओगे HI/HO = -V/U यहां से आपका जो एच आई है वो -2 सेंटीमीटर आ जाएगा ठीक है ना इसका मतलब जो इमेज है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं एक तो वो रियल है वो इन्वर्टेड है और वो मैग्निफाइड है इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट बचो किसी को बोलो बच्चों एनी डाउट ओके नेक्स्ट बच्चों आपको एक ख्याल होगा जैसे आप सबने एक किया होगा कि जो आप एक टेबल बनाते हो ना जो कि जो ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेज कैसी बनेगी कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो जो इमेज है वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी इमेज डिमिनिश्ड बनेगी रियल बनेगी सबको सबने किया हुआ है वो स्कूल में बताओ मुझे सर ए डायग्राम्स रे नहीं रे तो आप पहले करते हो उसके बाद आप सारे केसेस नहीं बना के लिखते जिसमें आप बियॉन्ड सी बिटवीन सी एंड वो वाला टेबल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो व्हाट आई विल डू इज कि जब मैं ये नोट्स आपको भेजूंगा मैं उसमें इसको यहाँ पे डाल के भेज दूंगा बट वैसे आप सबने वो टेबल किया हुआ है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मतलब उस पे बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है NTSC ठीक है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है देखो आप एक बात समझो कि जो आप वो टेबल बनाते हो एक तो आप वो कनकेव मिरर के लिए बनाते हो है ना जिसके कई सारे केसेस होते हैं 4-5 फिर आप वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनाते हो जिसके अंदर एक आधा ही केस होता है इजंट इट और फिर यही सेम टेबल बच्चों आपका लेंस के लिए भी बनता है ठीक है अब ये ध्यान रखना है कि जो आपका टेबल कनकेव मिरर के लिए होता है बिल्कुल वही सेम कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी होता है ना और जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है
वो कनकेव लेंस के लिए होता है, ठीक है ना। तो मतलब वो एक टेबल याद करके आपके मतलब मिरर और लेंस दोनों के केसेस कवर हो जाते हैं, इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बच्चों कुछ और दो तीन बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर की। आपको ख्याल है आप फोकल लेंथ मिरर की भी निकालते हो और आप फोकल लेंथ लेंस की भी निकालते हो, उन दोनों में फर्क क्या है? एक लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बच्चों, वो मीडियम पे डिपेंड करती है। मतलब कि आपने उस लेंस को किस मीडियम में रखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सेम लेंस को अगर आपने एयर में रखा हुआ है तो उसकी फोकल लेंथ अलग है, और अगर आप उस लेंस को वाटर के अंदर ले गए तो उसकी फोकल लेंथ अलग होगी। ठीक है, तो बच्चों अगर आप सबने ऐसे पढ़ा हुआ है ना कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो रेस को कन्वर्ज करता है, बताओ मुझे। है ना, तो अगर आप उसी कॉन्वेक्स लेंस को एक डेंसर मीडियम के अंदर रख दो, मतलब उसका सराउंडिंग मीडियम जो है वो ग्लास से डेंस कर दो, तो वो रेस को डाइवर्ज भी कर सकता है। Another very very important thing is कि लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बच्चों, वो कलर पे भी डिपेंड करती है। मतलब क्या होता है कि जो फोकल लेंथ है बच्चों वो सीधा लैम्डा पे डिपेंड करती है। तो जैसे आपको पता है बच्चों, जो जो हम विबग्योर लिखते हैं वहां पे वेवलेंथ्स किस तरह होती हैं, ये 4000 से 7000 की तरफ जा रही होती है ना एंगस्ट्रॉम्स। राइट, या उसको नैनोमीटर में बोलोगे तो 400 से 700 बोल दोगे। तो उसके कारण व्हाट हैपेंस इज
बच्चों कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक लेंस के ऊपर अगर आप रेड लाइट डालोगे तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी कंपेयर टू जब आप उसके ऊपर वायलेट लाइट डालो। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं बच्चों ये सिर्फ लेंस दिखाता है, ये प्रॉपर्टीज एक मिरर नहीं दिखाता। ठीक है, मिरर के केस में ना तो मीडियम पे डिपेंड करता है और ना ही कलर पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं फिर से बच्चों रिपीट कर रहा हूं, एक लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो उसके सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, और वो कलर पे भी डिपेंड करती है, मतलब वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है। बेसिकली लाइट को जब हम कहते हैं बच्चों कि इट इज मेड अप ऑफ मेनी कलर्स, राइट, तो वो अलग अलग कलर्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ्स, वही जो हमने अभी साउंड चैप्टर में भी बात की थी। तो जो लाइट के अलग अलग कलर्स होते हैं विब्योर वायलेट इंडिगो रेड तक जब हम जाते हैं तो वहां पे वेवलेंथ जो होती है, तो मतलब वायलेट की जो वेवलेंथ होती है बच्चों वो 4000 एंगस्ट्रॉम्स होती है और रेड की जो वेवलेंथ होती है वो 7000 एंगस्ट्रॉम्स होती है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेंस की फोकल लेंथ जो है वो कलर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस कलर की वेवलेंथ के। तो क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है तो इसलिए रेड के केस में जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा हो जाती है, मतलब जब आप लेंस पे रेड लाइट डालोगे तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होएगी कंपेयर्ड टू जब आप उस लेंस पे वायलेट लाइट डालोगे। क्या ये बात समझ आई बच्चों? ये बच्चों एक बात समझो, अगर आप व्हाइट लाइट डालोगे तो क्योंकि व्हाइट लाइट में सारे कलर्स होते हैं तो उन सारे कलर्स के हिसाब से फोकल लेंथ अलग अलग होगी लेंस की। ठीक है, जो हम निकाल देते हैं वो एक तरह से एवरेज फोकल लेंथ होती है, वैसे हर कलर के लिए स्पेसिफिकली अलग होगी। यहां बच्चों जो मैंने लास्ट पॉइंट बोला था कि लेंस को कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो बच्चों एक लेंस को जब हम कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बोलते हैं ना वो पैरेलल रेस के हिसाब से डिफाइन किया होता है। तो हम कहते नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस पे जब आप पैरेलल रेस डालोगे तो वो उनको कन्वर्ज कर देगा फोकस पे, तो इसलिए उसका नाम कन्वर्जिंग है। ठीक है, और यहीं पे अगर आप कनकेव लेंस के ऊपर पैरेलल रेस डालते हो तो क्या होता है, वो उनको फैला देता है, इसलिए उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। मतलब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जो नाम डला होता है वो सिर्फ पैरेलल रेस के हिसाब से डला होता है। इसमें बच्चों और कोई डाउट प्लीज आस्क। सबको क्लियर बच्चों? यस नो बोलो एक बार। यस सर। यस क्वेश्चन अगली क्लास में कराओगे इसके रिलेटेड? हाँ, बाकी जो आपको शीट मिलेगी उससे तो आप क्वेश्चंस ट्राई कर ही लो, राइट? चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ तो जशनप्रीत, जो आप बात पूछ रहे हो तो
तो क्या होता है कि जो हम अपनी आईज मतलब जो आई स्पेक्टिकल्स वगैरह होते हैं या कुछ है वहां पे हम एक पर्टिकुलर कोटिंग करते हैं लेंस के ऊपर ताकि ऐसा फिनोमिना ना हो कि लाइट फैले ना. ओके सर. चलो ओके बच्चों.